अस्सलाम वालेकुम आज जो मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है ये है द टेम्पेस्ट और ये शेक्सपियर की जो लास्ट ट्रेजेडीज थी उनमें से ये एक है जिसके इनके साथ इसके साथ ही कैम्बलिन और द विंटर टेल लिखी गई थी तो ये एक मैजिकल प्ले है जिसमें हमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी मिलेंगे तो जैसे मैं करेक्टर डिस्कस करूंगी तो साथ साथ बताती जाऊंगी उनका सबसे पहले प्रोस्पेरो प्रोस्पेरो जो जो है है है, मिलान का बादशाह है, है नहीं था उसकी एक बेटी मिरांडा और ये दोनों जो हैं एक आइलैंड पे रह रहे हैं इनके इस आईलैंड पे रहने की एक रीजन है कि इसका भाई है नीचे करेक्टर में मेंशन किया गया है एंटोनियो उसने एक साजिश की थी और उसके थ्रू उसने इनको किडनैप करवा दिया था और ये इस आईलैंड पे अपनी बेटी के साथ रह गया रह रहा है तो बारह साल इसे हो गए इस आईलैंड पे रहते हुए अब क्या होता है कि यहाँ पे अंटोनियो, और सेबेस्टियन ये सारे शादी पे गए हैं और ये शादी के बाद वापस आते हैं तो जो है ये मैजिक से एक स्टोम जो है वो क्रिएट कर देता है सी में अब इसकी बेटी मिरांडा ना देख रही है और उसको पता है कि ये पावर तो मेरे फादर के पास ही और वो ही ये क्रिएट कर सकता है तो वो उसे कह रही है कि ये जो है ना ये मार सकते हैं तो आप स्टॉम जो है इसको खत्म करवाएं उस पैरो सोच रहा है कि मैं अपनी बेटी को वो बता दू सब कुछ जिसकी वजह से हम आयरलैंड पे आए हैं तो वो उसे बताता है कहता है कि ये जो शिप में लोग तुम्हें नजर आ रहे हैं ना इन सब ने बारह साल पहले तुम्हें और मुझे जो है ना इस आयरलैंड पे पहुंचवाया था अब जब बच्ची को पता चलता है इस चीज का तो उसके बाद फिर वो भी इस चीज के लिए जो है उसको फेस करने के लिए रेडी हो जाती है फिर क्या होता है कि ये थर्ड करेक्टर है यहाँ पे एरियल एरियल स्पिरिट है और ये इसकी गुलाम है और ये गुलाम इस वजह से है कि प्रोस्पेरो ने इसको साइक्रस जो उसके आ, उसका इस पे कंट्रोल था उससे बचाया था उसके बाद कैलिबन है कैलिबन भी इसका स्लेव है ये हाफ ह्यूमन है और हाफ मॉन्स्टर है ये, 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 अब क्या होता आ, है कि प, प्रोस्पेरो जो है ए, ये इन सबको जो है वो जहाँ पे ये डिजास्टर क्रिएट हुआ है ये सारे वहाँ पे गिरे हुए हैं सारे के जो एरिया लेना अपने स्पेल से इसने इन सबको सुला दिया अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो एंटोनियन है और सर, ये ना एक दिन ये क्या करता है कि ये गद्दार है वैसे भी और ये दोबारा से ना इसको कहता है सेबेस्टियन वो कहता है लोंजो को मार देते हैं और तुम फिर किंग बन जाओगे अफर्डिनेंट जो है वो बेटा इसका लांसो का बेटा है और इसको ये ना एरियल उठा के ले आती है उसी जगह पे जहाँ पे अपना मैजिक जो है वहां पे परफॉर्म करता है उस जगह पे अब मिरांडा ने पहली दफा किसी इंसान को देखा इससे पहले उसने किसी ह्यूमन को नहीं देखा वो अपने फादर के साथ उधर ही रह रही थी जब इसको देखती है तो इसे लाइक करने लग जाती है लेकिन प्रोस्पेरो जो है ना वो इसे भी उसे अवॉइड करने के लिए कहता है कि मैं इसको जज कर लूंगे ठीक है या किस तरह का हार्ड वर्किंग भी है या नहीं तो उसे काम वगैरह करवाता है अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये सारे इसी दुख में हैं कि शायद जो है ना हम सब जो है अपने घर से दूर हो गए जो है इसकी डेथ हो गई है लास्ट पे क्या होता है कि इनको अपने सामने बुलाता है और फिर ये इन सबको बताता है कि जिस तरह से इन्होंने किया था इसके साथ सारी स्टोरी सुनाता है लेकिन लास्ट पे ये अपने एनिमीज को माफ कर देता है इनसे कोई रिवेंज नहीं लेता और जो एरियल है ये स्पिरिट है इसकी जो इसकी स्लेव थी ये इसको भी रिहा कर देता है तो इस तरह से इस प्ले का एंड हो जाता है और दोबारा से मिलान का बादशाह बन जाता है और यही था इसी प्रेजेंटेशन में